हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मैक ओएस है तो उसके ऊपर कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना है तो वो आपको आज की क्लास में समझ में आएगा। प्रीवियस क्लास में हमने विंडोज के ऊपर देखा था, इस क्लास में आपको मैक ओएस के बारे में बताऊंगा और आने वाली क्लास जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप लाइनक्स के अंदर उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 पॉपुलर ओएस है मार्केट के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली सारे लैपटॉप्स या पीसी में आपको यही देखने को मिलता है, या तो आपको विंडोज मिल जाएगा या आपको लाइनक्स मिल जाएगा या आपको मैक ओएस मिल जाएगा। तो अगर आपके पास मैक ओएस सिस्टम में है या पीसी या लैपटॉप के अंदर है मैक ओएस, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको अपने सिस्टम के अंदर, जिससे कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए और देन आप उसके ऊपर एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सके, यानी कि एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट या एंड्रॉइड के ऐप बनाना स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैं जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ क्रोम ओपन कर दिया और यहाँ पे आपको सिंपल सा एंड्रॉइड स्टूडियो सर्च करना है। आपको फर्स्ट पे ही यहाँ पे देखो एक ऐड दिख रहा है या फिर आपको यहाँ दिख रहा है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, ये developer.android.com, इसके ऊपर जाना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आप डायरेक्टली साइट को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही साइट को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा आपके ब्राउजर से कि आप किस पर्टिकुलर ओएस से इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर आए। दैट मीन्स अगर आप मैक ओएस के थ्रू आए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो 4.1.2 फॉर मैक, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अगर आप लाइनक्स के ऊपर ओपन करेंगे यानी लाइनक्स के अंदर ब्राउजर के ऊपर ओपन करेंगे तो वहां पे आ जाएगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो और वो वर्जन फॉर लाइनक्स। और अगर वही चीज विंडोज के अंदर हमने देखी थी तो विंडोज में भी जब मैंने ओपन किया था तो वहां पे आ रहा था डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन फॉर विंडोज, ठीक है। विंडोज में दो ऑप्शन होते हैं 64 एंड 32, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि 64 बिट है या 32 बिट है। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है आपको, जस्ट इस पर क्लिक करना है और आई हैव रेड पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल मैंने पहले से डाउनलोड कर ली है, ये आपकी DMG फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी है मैक के लिए। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। नियर अबाउट 800 to 900 MB के बीच में ये फाइल होगी। एग्जैक्टली अभी के लिए आपको मिलेगी 877 MB की और हो सकता है कुछ टाइम के बाद में इस फाइल जो है वो बढ़ जाए, तो 800 से 900 या 1 GB के अंदर की ये फाइल रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर ले, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी फाइल्स डाउनलोड होगी डाउनलोड के अंदर। अगर आपने सेटिंग सेट कर रखी है कि आपकी जो भी डाउनलोड फाइल्स है वो डाउनलोड के अंदर आए तो आपको डाउनलोड में जाके सर्च करना है, और अगर आपने कोई अपना खुद का फोल्डर दे रखा है तो आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके चेक करें कि वो फाइल का है DMG फाइल। तो हम यहाँ पे चलते हैं सीधा डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो यहाँ मैंने डाउनलोड फोल्डर ओपन कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि android-studio-id- और एक नंबर आ रहा है 201.something करके -mac.dmg। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जब डाउनलोड कंप्लीट होता है, जब तक डाउनलोड नहीं होगी तो यहाँ पे अनकन्फर्म लिखा पाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल सा इसको ड्रैग करना है, पकड़ के यहाँ से हमने पकड़ा, इसको ड्रैग करना है एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपल सा ड्रैग कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर ड्रैग हो जाएगा। अब ड्रैग होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो यहाँ पे आ चुका है। ये फाइल आई अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, आपको इसके ऊपर डबल टैप करना है। जैसे आप इस पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा ओपनिंग एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी। ये ओपन करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको ड्रैग करके उसको इंस्टॉल पे ले जाना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे विंडो आपके सामने ओपन होगी, आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाना। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे प्लस का ऑप्शन आएगा, आप इसको ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो कॉपिंग करके स्टार्ट हो गया, कॉपी करने के बाद में ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा और आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसको आप क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद में आप जब वापस एप्लीकेशन वाला टैब खोलेंगे, एक बार मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आइकन है एंड्रॉइड स्टूडियो वाला आइकन आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये अब स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो इज एन ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, ओपन कर देना, ठीक है। या फिर इसकी सेटिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हैं, तो बार बार जो डायलॉग बॉक्स आता है ये नहीं आएगा, बट ये सिक्योरिटी पर्पज से आता है क्योंकि हमने इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, इसकी ऐप नहीं है, हमने मैनुअली इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करी, इसलिए डायलॉग बॉक्स आता है, आपको उसको ओपन कर देना है। एंड इसको ओपन करने के बाद में तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो चुका है। जैसे ये ओपन हो रहा है तो अब यहाँ पे देखो एक SDK को डाउनलोड कर रहा है। SDK क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो यहाँ पे देखो इसको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट नहीं मिला है। दैट मीन्स जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था तो जो हमारा सेटअप है वो दो पार्ट में कंसिस्ट रहता है, एक तो पहले एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना, देन उसके अंदर SDK के कंपोनेंट्स को सेटअप करना। अब ये SDK होता क्या, देखो SDK क्या करता है, एक्चुअल में ये क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। जो क्या करता है, जो भी आपने कोड लिखा है आपने आईडी के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर, अब क्या होता है फाइनली आप इसको कहाँ चलाएंगे, एक एंड्रॉइड फोन के अंदर, और वहां पे क्या चलती है, कोड नहीं चलता, वहां पे चलता है .apk फाइल। अब .apk फाइल को बनाने के लिए क्या यूज में आता है, SDK फाइल। तो SDK क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, या इसको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट। तो क्या करता है, आपके कोड को कंबाइन करके बनाता है एक .apk फाइल। तो मैं आपको एकदम बेसिक डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ कि अंदर बैकग्राउंड में होता क्या, लेकिन अगर हमको ओवरऑल देखना है तो क्या करता है, वो जो भी आपने कोड लिखा है उस कोड को कन्वर्ट कर देता है, उसको बिल्ड करके
इसमें कुछ बिल्ड स्क्रिप्ट होती है, उन स्क्रिप्ट को रन करके वो आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है डॉट एपीके फाइल के अंदर, एप्लीकेशन पैकेज किट के अंदर, ताकि ये फाइल जब एक एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाएगी तो वो वहां पे इंस्टॉल कर पाएगा और आपकी ऐप को रन कर पाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एसडीके को सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है मिसिंग एसडीके, नो एंड्रॉइड एसडीके फाउंड। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसडीके की जो फाइल्स होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, दैट मींस जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि लिनक्स के लिए आपको डिफरेंट तरीका यूज करना पड़ेगा, विंडोज के लिए अलग तरीका, मैक के लिए अलग तरीका, लेकिन जो एसडीके फाइल्स है वो सेम हो सकती है। यानी मेरे कलीग ने अगर विंडोज में सेटअप कर रखा है, उसने एसडीके डाउनलोड कर रखा है, तो वही सारी फाइल्स मैं अपने मैक के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ और उसका जो पाथ है वो यहाँ एसडीके में सेट कर सकता हूँ, तब भी मेरे को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको नेक्स्ट का, ये खुद ही कह रहा है कि आप यहाँ से ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। बिफोर कंटिन्यूइंग यू मस्ट डाउनलोड द नेसेसरी कंपोनेंट्स और सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग एसडीके। मतलब पहले से कोई अगर आपके पास में एसडीके पड़ा है तो आप उसका बात दे दें या उस बात को सेलेक्ट कर लें, नहीं तो इसको ऑटोमेटिक डाउनलोड करने दें जो फाइल्स भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी फाइल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और ये आपको ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड एसडीके एंड एसडीके प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो एपीआई लेवल है, ये कुछ फाइल्स रिक्वायर्ड रहती है बिल्ड करने के लिए। ये सारी की सारी फाइल्स जो है इसने ऑटोमेटिकली चेक मार्क कर रखा है और यहाँ पे पाथ बता रहा है किस पर्टिकुलर पाथ पे ये फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई पाथ भी दे सकते हैं, कस्टम पाथ भी दे सकते हैं, दैट मीन्स आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप या इस पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर आपकी ये फोल्डर क्रिएट हो, उसके अंदर ये फाइल स्टोर हो, मतलब ये सारी जितनी भी फाइल्स है एसडीके की वो स्टोर हो, तो आप वो पाथ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपके जो यूजर्स हैं उसके अंदर जो भी यूजर का नेम वो यहाँ पे आएगा, देन लाइब्रेरी, देन उसके बाद में एंड्रॉइड एंड देन एसडीके, देन हम यहाँ कर देते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इतनी सारी फाइल्स का जो कंपोजिशन है वो ये बता रहा है कि ये फाइल्स के रिक्वायरमेंट है और इनका कंपोजिशन ऐसा रहेगा कि एंड्रॉइड एमुलेटर की इतनी फाइल्स होगी, एसडीके बिल्ड टूल्स की इतनी साइज होगी, एंड सारी जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स यानी कि नेसेसरी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शो डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि क्या करेगा, सारी एक एक चीजें को डाउनलोड करेगा, उनको साथ ही साथ इंस्टॉल भी करता रहेगा। और जैसे ही चीज ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का जो इंट्रो स्क्रीन है यानी कि जो ओपनिंग स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी, जहां से आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, तो वो वाली जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। ये जैसे सेटअप हो जाता है उसके बाद में, इसको सेटअप होने के लिए टाइम लग सकता है 10-15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर नेट, इंटरनेट ऑन होना बहुत जरूरी है क्योंकि चीजें डाउनलोड हो रही है, तो डाउनलोड होने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो आपको अपने पीसी या अगर आप मैकबुक पे या फिर अगर आप कोई लैपटॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट देना पड़ेगा। जैसे आप इंटरनेट देंगे और इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा ये जो प्रोसेस है वो कितना फास्टली कंप्लीट होता है। हो सकता है अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है तो ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम ले सकता है, और अगर इंटरनेट की स्पीड तेज है तो ये जो चीज़ है वो फास्टली कंप्लीट हो सकती है, यानी कम टाइम में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, देन आपका जो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ एंड्रॉइड है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये डाउनलोड फिनिश होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट। जैसे ये चीज आ जाए उसके बाद यहाँ पे फिनिश का जो ऑप्शन है या फिनिश का जो बटन है वो अनेबल हो जाएगा, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंट्रो स्क्रीन जिसको मैं कहता हूँ स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपनी एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहला प्रोजेक्ट एक बार क्रिएट करके बताऊंगा क्योंकि कुछ रिमेनिंग फाइल्स रह जाती है, कुछ फाइल्स जो होती है जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब डाउनलोड होती है। ये मैंने विंडोज में भी बताया, मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, और जब हम लिनक्स में भी सेटअप करेंगे तब भी, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करें कहीं पे भी तो यहाँ पे लाके ना छोड़े, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब एक्चुअल में कुछ फाइल जो रिक्वायर्ड है वो डाउनलोड होगी। 55.5 MB की एक फाइल होती है वो डाउनलोड होगी, उसके बाद में आपको जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो रेडी टू यूज है। तो चलते हैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सैंपल सा। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो रेडी टू यूज हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए क्या होगा, जैसे आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो दो फाइल क्रिएट होगी, एक जावा फाइल होगी और एक XML फाइल होगी। तो जो XML फाइल है उसके अंदर UI आती है हमारी, अगर वो UI दिखना स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स वो UI दिख जाए आपको, दैट मीन्स वो सेटअप हो चुका है। अगर वो UI ना दिखे, वहां पे अगर लोडिंग चलती रहे, दैट मीन्स कुछ फाइल अभी भी लोड हो रही है या कुछ फाइल जो अभी भी है वो डाउनलोड हो रही है, देन वो सेटअप होगी और फिर वो चीज जो है प्रोसेस की जाएगी, बिल्डिंग की जाएगी और फिर वो ओपन होगा। यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो चुका है और स्क्रिप्ट को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग आ रहा है और मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो लोडिंग आ रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली लोडिंग आ रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वो UI दिखेगी, मतलब जो आपकी स्क्रीन होती है एंड्रॉइड की वो दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे हम UI डिजाइन करते हैं। तो वो अगर आपको दिख जाए दैट मीन्स आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो रेडी टू यूज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये हमारी स्क्रीन है एंड यहाँ पे हमारी कोडिंग होती है। तो अगर ये आपको विजिबल हो जाए दैट मीन्स कि आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसमें जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स है वो डाउनलोड हो चुकी है, SDK सेटअप है, आपका एंड्रॉइड स्टूडियो अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, अब ये रेडी टू यूज है, अब आप इसमें एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।